गाइज, एक और अनदर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में रिव्यू लेकर आया हूँ मैरी कूल बाय समर कूल। समर कूल ब्रांड का रिव्यू है। बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आ रहे थे कि समर कूल ब्रांड के एयर कूलर का रिव्यू कीजिए। बहुत सारी एड्स भी आती है। वैसे यूपी बेस्ड ब्रांड है, यूपी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और ऑल इंडिया में सप्लाई होता है बनने के बाद। इसका रिव्यू लेकर आए इसीलिए लेकर आए हैं कि इसमें बहुत सारे माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बट आपको क्यों बाय नहीं करना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो समर कूल वाले खुद देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दूँ कि आप क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, अच्छी क्वालिटी लोगों तक सप्लाई कीजिए, क्योंकि क्वालिटी बिल्कुल चीपर यहाँ पर आपने बनाई है। बॉडी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ना कोई सपोर्ट अच्छे से दिया है आपने कूलर के अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़े बहुत डिटेल के बारे में बात कर लें। यहाँ पर फ्रंट में आपको ग्रिल मिल जाती है, जिससे कि आपको यहाँ पर डस्ट वगैरह इस कूलर में नहीं जाएगी। पहली चीज़, यहाँ पर कोई बच्चे हाथ भी नहीं डालेंगे, डस्ट भी नहीं जाएगी। आजकल हर कूलर में ये इस टाइप की क्वालिटीज़ आती है, जो कि फ्रंट ग्रिल बिल्कुल ही फ्लैट बनाते हैं। ये पहला वाला था इसमें प्लस पॉइंट। दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हनीकॉम पैड्स है, वो दो लेयर में आपको मिल जाते हैं, जिससे कूलिंग आपको थोड़ी और बेहतर मिलेगी। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है एग्जॉस्ट फैन, थ्री ब्लेड वाले। यहाँ पर आपको प्लास्टिक का एग्जॉस्ट फैन मिलता है, जो काफ़ी चौड़ा एग्जॉस्ट फैन आपको देखने को मिल जाता है। नीचे फोर व्हील्स आपको मिलते हैं, बट यहाँ पर व्हील में आपको लॉकिंग सिस्टम नहीं मिलता है। 75 लीटर के वेट के बाद इसमें लॉकिंग व्हील्स होने चाहिए थे। कहीं पर भी ये कूलर जा सकता है खिसक कर और गिर भी सकता है, तो लॉकिंग व्हील इसमें कंपलसरी है। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, इसमें जो आइस चैम्बर काफ़ी बड़ा है, आपको बताता हूँ मैं क्लोजली, तो आप देखिए यहाँ पर इसमें जो आइस चैम्बर काफ़ी बड़ा आइस चैम्बर यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया हुआ है इस ब्रांड ने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पर तीन फंक्शन की मिलती है, ये वाले स्विंग वाली है, ये थ्री स्पीड मोटर है और ये है यहाँ पर वाटर पंप वाली। यहाँ पर ब्रांडिंग करके रखी हुई समर कूल और यहाँ पर सर्टिफाइड कंपनी है। यहाँ पर मैरी कूल यहाँ पर इसका मॉडल है और यहाँ पर है वाटर इंडिकेशन। नीचे की साइड में फोर आपको व्हील्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पर लॉकिंग व्हील्स नहीं मिलते, ये इसका माइनस पॉइंट है कूलर का। बाकी अंदर की साइड में इसकी बॉडी में कंपनी को थोड़ा और सपोर्ट देना चाहिए था, जिस टाइप से ये वाइब्रेशन होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें कंट्रोल भी होना ज़रूरी है। तो कंपनी को थोड़ा यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पर ये थ्री ब्लेड्स मिल जाती है एग्जॉस्ट फैन विथ, यहाँ पर मोटर के ऊपर कवर भी है प्लास्टिक का, जिससे कि पानी वगैरह इसके ऊपर छींटे नहीं उड़ेंगे और शॉक प्रूफ रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें एक माइनस पॉइंट इस एयर कूलर में ये है कि यहाँ पर जो मोटर आपको दिख रही है सामने की तरफ, इसमें मोटर के पीछे गैप बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर मोटर और हनीकॉम पैड्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, लगभग एक इंच का भी गैप नहीं है। तो कंपनी को ये थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए कि यहाँ पर गैप देना चाहिए, क्योंकि पानी जब भी यहाँ पर ड्रॉप होगा ऊपर से नीचे की साइड में, तो मोटर के ऊपर आ सकता है, जिससे कि शॉक भी लग सकता है। बाकी बेस में कोई भी सपोर्ट नहीं है, सिंगल सपोर्ट है जो कि छोटा सा है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का सपोर्ट भी कंपनी को देना चाहिए और मोटर को भी यहाँ पर बेस में सेट करना चाहिए, जिससे कि क्वालिटी और अच्छे से इम्प्रूव हो सके। बाकी क्वालिटी वाइज अच्छी है, यहाँ पर मोटर लगी हुई, यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर लगा हुआ है इसमें। नीचे की साइड में समर कूल का खुद का यहाँ पर वाटर पंप भी लगा हुआ है, ऑटो फिलिंग वाला सिस्टम है यहाँ पर। बाकी आप पीछे की साइड में यहाँ पर डिब्बे वगैरह से यहाँ पर वाटर फिल कर सकते हैं। बाकी ये मैरी कूल 75 लीटर का मॉडल है और यहाँ पर लगभग 210 वोल्ट का यहाँ पर इसको कंजप्शन चाहिए चलने के लिए। बाकी 1400 RPM वाली इसमें मोटर लगी हुई है। हनीकॉम पैड्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बड़ी साइज़ में हनीकॉम पैड्स है। और एक चीज़ अच्छी ये लगी है कि इसकी जो ग्रिल है वो वर्टिकल थोड़ी सी राउंड में दी है नीचे की साइड में, जिससे कि पानी नीचे की साइड में ड्रॉप नहीं होगा, अंदर ही रहेगा। बाकी वायर स्टेशन ऊपर की साइड में दिया हुआ है, यहाँ पर आप वायर भी लपेट सकते हैं। यहाँ पर ऑटो फिलिंग वाला सिस्टम है, यहाँ पर ओवरफ्लो भी है। बाकी तो यही था इसका रिव्यू, बाकी इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। और एक चीज़ और बाकी रह गई, जो कि है इसकी हनीकॉम पैड्स। टू लेयर्स हनीकॉम पैड्स आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी हद तक चौड़ी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर फिटिंग भी एकदम प्रॉपर तरीके से कर रखी है। बाकी लॉकिंग अनलॉकिंग वाला सिस्टम वही है, यहाँ से इजीली इसको रोटेट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और इसको वापस अनलॉक करने के लिए वही सिस्टम है। तो अच्छा, इसमें एक अच्छा पॉइंट बोल सकते हैं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। बाकी प्राइसिंग की बात करें, लगभग ये वाला जो मॉडल है 75 लीटर, ये
8 से 8.5 हज़ार की प्राइस की रेंज में आता है। इसमें ही एक ये वाला मॉडल है जो कि लगभग इसमें ये वाला मॉडल जो 100 लीटर है, 100 लीटर वाला ये मॉडल है और इसकी जो प्राइस है वो लगभग 10 से 10.5 हज़ार की प्राइस रेंज में ये कूलर देखने को मिल जाएगा मार्केट में, आप बाय कर सकते हैं। बाकी ये रिव्यू था इस एयर कूलर को लेकर, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे कंपनी की भी डिटेल मैं डाल दूंगा, वहाँ जाकर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें जीतू भाई से तो उनके भी नंबर डाल दूंगा, बाकी ऑलरेडी बहुत सारे बहुत परेशान है वो, उनके नंबर नहीं डालूंगा, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वैसे क्वालिटी के मामले में अगर कंपेयर करते हैं महाराजा बर्ली या किसी और ब्रांड से तो क्वालिटी काफ़ी चीपर है, अच्छी क्वालिटी नहीं बोल सकते। कंपनी को यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए क्वालिटी को थोड़ा मेंटेन करके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड भी है तो यहाँ पर क्वालिटी इनको जब कुरियर में सप्लाई हुआ है ट्रांसपोर्ट में तभी जाके एक पीस में तो यहाँ पर डिफेक्टिव हो गया है, तो मतलब क्वालिटी कंपनी ने कुछ इम्प्रूव की नहीं है, ना पैकिंग में है ना कुछ कूलर में है। मुझे लगता है लॉकिंग सिस्टम को छोड़ के कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए, यहाँ पर लॉक सिस्टम जो दिया है ऊपर की साइड में वो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो छोटा सा रिव्यू था, अगर समर कूल वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो कूलर में ज़रूर इसको कुछ ना कुछ इम्प्रूव कीजिए और अच्छी क्वालिटी बनाइए, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा यहाँ पर कमी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।